दोस्तों ऑल न्यू KTM ड्यूक्स अनवील हो चुकी है। 390 ड्यूक, 250 ड्यूक एंड 125 ड्यूक। तो ये जो न्यूज है ये एक सरप्राइज आया है हमारे लिए, बिकॉज KTM ने एकदम इम्प्रॉम्प्टली इसको अनवील किया है। तो बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है एंड बहुत ही एक्साइटिंग बाइक्स है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भाई ये बाइक्स क्या है, इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं एंड शुड यू वेट फॉर दीज बाइक्स। तो ये वीडियो में हम फोकस करेंगे ऑन द 390 ड्यूक, बिकॉज ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट रहने वाला है एंड इसमें आपको सारे बेल्स एंड विसल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली वील स्टार्ट विद द डिजाइन। डिजाइन पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, बिकॉज ये ऑब्वियसली एक नया जनरेशन का बाइक है। इसमें आपको बहुत सारे कट्स एंड क्रीजेस देखने मिलेंगे। फ्रंट में जो हेडलाइट है वो भी काफी एग्रेसिव हो गया है। बूमरैंग शेप के आपको लाइट्स देखने मिलेंगे। काफी एजी डिजाइन लगता है। जो एक्सपोज टैंक है वो मेटल का रहने वाला है। जो साइड प्रोफाइल है उसमें भी आपको काफी एजी डिजाइन देखने मिलेगा। रियर प्रोफाइल एज यूजुअल एकदम मिनिमलिस्टिक है। आपको एक शॉर्ट टेल सेक्शन देखने मिलेगा विद द एलईडी टेल लैंप्स एंड एलईडी इंडिकेटर्स। जो एग्जॉस्ट है वो आपको अंडरबेली देखने मिलेगा। जो पहले वाला ड्यूक आता था उसमें आपको एक प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम देखने मिलता था, इसमें आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने मिलेगा। इसके साथ साथ आपको नए टाइप के ग्राफिक्स भी देखने मिलेंगे एंड अभी जो मॉडर्न KTMs है उसमें जो ब्लू कलर का ह्यू देखने मिलता है इसमें भी आपको वही सिमिलर टाइप का लुक देखने मिलेगा। तो नया स्टाइल है, नए ग्राफिक्स है एंड ओवरऑल जो लुक है एज आई सेड बहुत ही एजी एंड मॉडर्न दिखता है। एट प्रेजेंट जिसने भी अभी तक इसको देखा है हमारे टीम से सभी लोग कंफ्यूज है, किसी को पसंद आ रहा है किसी को पसंद नहीं आ रहा है। अगर आप मुझे पूछे तो ऑनेस्टली मैं भी कंफ्यूज हूँ। जब ये बाइक को इन पर्सन देखूंगा तभी पता चलेगा भाई ये बाइक में वो प्रेजेंस है कि नहीं। आपको क्या लगता है नए ड्यूक का स्टाइल को देखकर? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अभी बात करते हैं इंजन के बारे में। तो इंजन जो है उसका साइज बढ़ चुका है। पहले जो 373 सीसी का ब्लॉक आता था अभी आपको 399 सीसी देखने मिलेगा। तो इसकी वजह से जो पावर आउटपुट है वो भी आपको ज्यादा मिलेगा। अराउंड 44 का हॉर्स पावर आपको देखने मिलेगा इसमें एंड 39 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। बट हमको सबको पता है कि जो 390 ड्यूक्स है, इनफैक्ट सारे ड्यूक्स काफी पेपी है एंड काफी पावरफुल है। ये बाइक में जो सस्पेंशन है वो भी काफी अच्छा मिलेगा आपको। 43mm का एपेक्स ओपन कार्ट्रिज सिस्टम देखने मिलेगा। अभी जो यूरोपियन मॉडल्स है उसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन आएगा, बट शायद इंडिया में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं आएगा टू रिड्यूस द कॉस्ट। जो रियर सस्पेंशन है आपको ऑफसेट मोनोशॉक देखने मिलता है। जो बाइक का फ्रेम है वो भी नया हो चुका है, आपको इसमें स्टील ट्रेलिस फ्रेम आता है एंड ये जो फ्रेम भी है आपको इसमें टू पार्ट का कंस्ट्रक्शन देखने मिलता है। ब्रेकिंग का बात किए तो आपको इसमें 320mm का डिस्क देखने मिलेगा इन द फ्रंट विद अ न्यू 4 पिस्टन कैलिपर एंड जो रियर ब्रेक्स है उसमें आपको 240mm का डिस्क देखने मिलता है। अभी बात करते हैं टेक के बारे में। ये जो बाइक है इट इज फुल्ली टेक लोडेड, बिकॉज आपको इसमें राइडिंग मोड्स आते हैं, वन इज स्ट्रीट, वन इज रेन एंड वन इज अ ट्रैक मोड। तो ये जो तीनों मोड्स है काफी अलग काम करते हैं। स्ट्रीट मोड जो है वो आपको जैसे आप शोरूम से बाइक लोगे तो स्ट्रीट मोड पर रहेगा, बट अगर समझो आप रेन मोड पर डालते हो तो इसका जो इंजन का जो बैलेंस है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द ट्रैक्शन। अभी ट्रैक्शन का बात किए तो इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है एंड वो भी मोस्टली स्विचेबल रहेगा। उसके साथ साथ इसमें आपको कॉर्नरिंग ABS भी आएगा। जो ट्रैक मोड है उसमें आपको काफी सारे चेंजेस देखने मिलेंगे विद द डिस्प्ले। डिस्प्ले भी आपका चेंज हो जाएगा एंड एकदम ट्रैक फोकस्ड रहेगा विद अ बिग RPM मीटर एंड स्पीडोमीटर। उसके साथ साथ आपको इसमें लैप टाइमर भी देखने मिलेगा। इसमें एक और एक इंटरेस्टिंग फीचर आता है विच इज लॉन्च कंट्रोल। तो आई थिंक ये कैटेगरी में ये पहला बाइक रहेगा जिसमें आपको लॉन्च कंट्रोल देखने मिलेगा। तो ट्रैक मोड पर आप ये लॉन्च कंट्रोल को यूज कर पाएंगे एंड जब भी आप लॉन्च कंट्रोल एनेबल करेंगे तो ये जो बाइक है 7000 RPM तक जाएगा एंड ये आपके लिए रुकेगा कि कभी आप क्लच को एंगेज करते हो। दोस्तों इसके साथ साथ KTM ने और दो बाइक्स को भी अनवील किया है, विच इज द 250 ड्यूक एंड द 125 ड्यूक। तो जो 125 ड्यूक है उसमें भी आपको काफी सारे टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स देखने मिलेंगे जस्ट लाइक द 390 ड्यूक, बट 250 ड्यूक जो है वो थोड़ा सा एक लेवल नीचे है, बिकॉज आपको उसमें डिजिटल डैश नहीं आता है, आपको LCD स्क्रीन देखने मिलेगा उसमें। बट ये तीनों भी बाइक्स में आपको कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे, जैसे आप फोन को कनेक्ट करोगे तो आपको इसमें फोन कॉल के अलर्ट्स आएंगे, मैसेज अलर्ट्स आएंगे एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको दिखेगा। उसके साथ साथ आप इसमें म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हो विद द न्यू स्विच गियर। अभी लॉन्च और प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ये जो बाइक्स है ये इंडिया में बनने वाला है एंड दैट टू इन द बजाज फैक्ट्री, जो चाकन में बजाज का फैक्ट्री उधर ये बनने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी मेड फॉर द वर्ल्ड। तो यहां पर बाइक्स बनेंगे एंड इट विल बी एक्सपोर्टेड टू द अदर मार्केट्स। इसकी वजह से जो प्राइसिंग है काफी लो रहेगा फॉर द इंडियन कस्टमर्स। बट दोस्तों कॉस्टिंग का अगर बात किया तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 390 ड्यूक है इट शुड कॉस्ट अराउंड 3.2 लाख रुपीज एक शोरूम। तो इतना जो फीचर लोडेड बाइक है उसके लिए प्राइसिंग
बहुत सही रहेगा स्पेशली फॉर अस इंडियंस। उसके साथ साथ जो लोअर वेरियंट है विच इज द 250 ड्यूक एंड 125 ड्यूक, आई डोंट नो 125 ड्यूक अपने इधर लॉन्च होगा कि नहीं इतना जल्दी, बट फॉर श्योर जो 390 ड्यूक है वो पहले आने वाला है इन द कमिंग वीक्स। तो दोस्तों इसको हम जल्दी चलाने वाले हैं, इसका एक फुल वीडियो करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये सारे बाइक्स कैसे लगे, ये 390 ड्यूक स्पेशली आपको कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।